और वही ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बस बढ़िया चल रही है, आप बताओ। अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी जी। आपके अभी रेसलिंग में गाली ग्लोच होती है क्या? गाली ग्लोच तो जेंटलमैन गेम्स का काम है, हमारे गेम में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे गेम में सिर्फ धोबी पछाड़ होता है। बात तो आपकी भी सही है, अगर मुझ में इतना दम होता तो मैं हर बॉल पे छक्का ना मार लेता। आपका एक सिक्सर देख कर बहुत मजा आया था, जिम्बाब्वे के बॉलर के खिलाफ जो शॉर्ट आर्म जो मारा था। वो तो ऐसे ही लग गया था, प्रैक्टिस नहीं करी थी इसकी। आपके पापा आपको ट्रेन करते हैं मैंने सुना है। आपको तो पता ही है, घर में कोच हो तो कभी ट्रेनिंग खत्म ही नहीं होती, घर के अंदर बाहर हर जगह ट्रेनिंग चलती रहती है। मुझसे पूछिए, रोज सुबह उठकर रनिंग करना कितना मुश्किल है, नहीं तो फिर पापा की डांट पड़ेगी। आप हर रोज ट्रेनिंग करते हो सुबह? हाँ सुबह रोज रनिंग होती है, रोज लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं, कभी कम डिस्टेंस, कभी 2-3 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर। मैं भी हफ्ते में 25-30 किलोमीटर दौड़ ही लेता हूँ बस। तो सिर्फ रनिंग ही थोड़ी ना करनी होती है, स्ट्रेंथनिंग, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करनी होती है। ये शूज पहन के एक्चुअली थोड़ा ट्रेनिंग करना इजी हो गया, अब सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा दौड़ूंगा। अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा कितनी पुशअप्स लगा लेते हो? आपके जितने तो नहीं, बट थोड़े बहुत तो लगा ही लेता हूँ। ऊपर से IPL की ट्रेनिंग शुरू हो गई है तो ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस हो गई उसकी वजह से। अच्छा तो आप कोलकाता के लिए खेल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है IPL में? हाँ यार, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है, यू नो, इतने एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ, तो बेस्ट बनने के लिए बेस्ट का ट्रेनिंग करनी भी ज़रूरी है। आप IPL देखते हो? हाँ कभी कभार देख लेती हूँ, रेसलिंग से फुर्सत मिले तब ना। अभी एशियन गेम्स की तैयारियाँ चल रही हैं और रोज़ इन्हीं जूतों में भागना पड़ता है, नहीं तो फिर डंडे पड़ेंगे। चलो, आई वुड लाइक टू विश ऑल द लक फॉर योर एशियन गेम्स। मैं दुआ करूँगा कि आप बहुत सारे मेडल लेके आओ और इंडिया का नाम रोशन करो। थैंक यू, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप IPL में जमकर खेलें और जल्दी देश के लिए खेलें, देश का नाम रोशन करें। थैंक यू।